मामी, क्या हाल है तुम सब लोगों की। मैं तुम सबका होस्ट ड्रीम बॉय बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग कुछ कमाल का गेम खेलने वाले हैं। तुम में से काफी लोग उस गेम के बारे में जानते होंगे, पर तुम्हें आज पहली बार एक स्टिकमैन गेम को खेलते हुए मिलेगा। कौन बोला भाई, मैं स्टिकमैन हूँ। गेम काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि इसी के अंदर हमें 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं। हर एक सिचुएशन पे हमें डिसीजन दिए होते हैं एंड वो सब डिसीजन लेने पड़ेंगे, उस पे गेम हमारी पूरी चलेगी। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हमारा गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे जो हमारा स्टिकमैन भाई है, कोई मत बोलना कि वो मैं हूँ, स्टिकमैन यहाँ पे चोरी कर रहा था बैंक में, देन उसको पुलिस पकड़ के ले जा चुकी है। ओके, इसे यहाँ पे ये पूरे रूम से एस्केप करना है एंड इसके लिए इसने मुझे 3 डिसीजन दिए हैं, जिसके अंदर एक ही अपने सर से दीवार तोड़ रहा है। पहले मेरे को ये समझाओ, इसे टोपी किसने दिया भाई जेल में। ओके, अभी ये सब छोड़ते हैं एंड उसी के साथ एक हाथ बना हुआ है जिसपे पट्टी बांधी हुई है। आई थिंक ये कुछ हाथों से मुक्केबाजी का खेल होगा एंड इसी के साथ यहाँ पे एक प्लेट टाइप रखी है। मैं पहले प्लेट लेने वाला हूँ क्योंकि इनके अंदर ना कुछ अलग ही होता है। लाइक अगर मैं सर से दीवार तोड़ूंगा तो शायद टूट जाए या ना टूटे, आई डोंट नो, इसमें कुछ अपोजिट ही होता है हमेशा। तो यहाँ पे प्लेट चूज करते हैं। अरे ईंट है, प्लेट है, क्या है ये, तो ईंट है इसके हाथ में। लो भाई, पीछे देख लिया, गया खत्म, खत्म, तेरा सीन ही गया भाई, बुरा फेल। So, अगला हम चूज करने वाले हैं। इसके बाद मैं चूज करूंगा दीवार पे सर मारने वाला क्योंकि मेरे को लगता है ये होगा। ओके, हाँ बहुत बढ़िया। POV ड्रीम बॉय आफ्टर अपलोडिंग वीडियो। कमेंट्स ये आते हैं भाई आजकल। यहाँ पे अभी एक लास्ट ऑप्शन बचा है जिसके अंदर ये मुक्के हैं। मेरे को नहीं पता मुक्के मारेगा क्या करेगा ये। ओके लेट्स गो, मुक्के। ओ पट्टी, भाई इसके पास पट्टी कहाँ से आई। और डॉन सेमी के अपने हाथ से दीवार तोड़ देगा। नहीं भाई, स्टिक मैन है वो, उसके पास इतनी पावर कहाँ से आई है, लिटरली उसने तोड़ दिया। नाइस यार, मेरे अंदर भी इतनी जान है, मतलब तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा। लेट्स गो, यहाँ पे हमारे पास एक डॉग आ चुका है एंड इस डॉग को, यार ये तो नॉर्मल सी बात है, कुत्ता है तो उसको हड्डी देंगे। पर एक सेकंड, हमेशा उल्टा होता है, तो यहाँ पे मैं आलू दे के देखता हूँ। आलू 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 ले 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 रे आलू। ओए भाई, गया गया, अब पुलिस वाला आएगा और इसको ले, अरे गोली मारेगा क्या, सीधा बंदूक दिखा रहा आते ही। ओके, तो इस बार मैं चूज करने वाला हूँ हड्डी, क्योंकि ऑब्वियस है भाई, कुत्ता सामने है तो हड्डी से सहल जाएगा। ये देखो, ये इसे हड्डी दे रहा है एंड दिस इज क्रेजी मैन। देखो ये एकदम सही था, सीटी बजाते हुए जा रहा है। चोर, तू पुलिस में, उस जेल में है, पुलिस में का ये जेल में है, पुलिस पकड़ेगी तेरे को, खौफ ही नहीं आजकल के चोरों में। मेरी रियल लाइफ की वीडियो में भी वो चोर खुले आम आता है। तो यहाँ पे मेरे को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाना है एंड देखते हैं क्या ऑप्शन में मेरे को देते हैं। एक सीढ़ी है, प्लैंक है और एक रोप है। प्लैंक, सिंपल बात है, प्लैंक लगेगा। लेट्स गो। हाँ हाँ, अरे इतना डर के क्यों चल रहा भाई, सीधा जंप मार देना। नहीं, ये मैंने नहीं सोचा था, ये टूट जाएगा। हद है भाई, हद है। फिर इसके अंदर क्या हो सकता है, सीढ़ी, आई थिंक सीढ़ी होगा क्योंकि रोप से वो कैसे ही जाएगा मेरे को नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं सीढ़ी चूज करने वाला हूँ एंड डोंट सेमी की सीढ़ी से गिर जाएगा। नहीं 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 नहीं, नाइस, हो गया। मेरे को देखना था रोप से क्या होता। ओके, तो आई डोंट नो ये बीच में कहां से कौन सा लेवल आ गया है, मैं डे 7 में आ गया हूँ, ये क्या हुआ है मेरे साथ, मेरे को नहीं पता। हमें को ये चूज करने ही कह रहा है। ये बेड है, ओके क्या करूं इसका मैं, तो उससे मेरा क्या फायदा। अरे भाई वॉलपेपर लगवा रहा है मेरे से, नल्ला। ओके, डे 4 पे यहाँ पे हम आ चुके हैं एंड वहाँ पुलिस वाला वेट कर रहा है। वेट क्या कर रहा है वो, मतलब बाहर खड़ा है एंड यहाँ पे मेरे को कुछ भी करके जाना है। एक लॉन्ड्री है, सो मैं कपड़ों के बीच में छुप के जा सकता हूँ ना। ये देखो पुलिस वाला कपड़े हटा रहा है, एक सेकंड मैं छुपा हुआ हूँ इसके अंदर और वो मेरे को देख लेगा भाई। लो भाई, ये सीधा बंदूक दिखाते हैं हमें। इस बार मैं जाने वाला हूँ ट्रॉली के अंदर एंड पुलिस वाले मत देखियो, हाँ आराम से लेके जा। अच्छा नहीं, ये छुपके जा रहा है इसके अंदर। वाओ नाइस, हो गया, दिस इज कूल मैन। ओके, तो अभी हमको इससे पार होके जाना है जो जाली बनी हुई है पूरी। अभी मैं कैसे जाऊं यार, तो मैं जालियों के बीच से कूद के तो नहीं जा पाऊंगा, गेट खोल के जा, है ना। गया, इतना सिंपल था क्या ये, बा नहीं, बॉम्ब था उधर यार। इसका एक पीसी वर्जन भी है, अगर तुम लोग कहोगे तो मैं इसके पीसी वर्जन को भी खेलूंगा अपने चैनल पे, मजा बहुत आता है लिटरली मैन। ओके, तो इस बार मैं चूज करने वाला हूँ, ये मेरे को नहीं पता क्या है, तारों के बीच में से जाएगा ये, कैसे जाएगा, करंट लग जाएगा पक्का इसे, मेरे को ऐसा लग रहा है। कहा था यार, मतलब बीच वाला ही ऑप्शन है। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है जो कि है कूद के जाने वाला एंड आई होप ये बिल्कुल हो जाएगा ना, हो जाएगा आई एम श्योर।
लास्ट ऑप्शन था जादूगर है भाई। इतनी तगड़ी जंप ऐसे कैसे यार, सुपरमैन है तो यार, इसमें दुनिया भर की जान है, पता नहीं क्या शिलाजीत खिलाया इसे, क्या किया भाई। ओके तो यहाँ मेरे सामने एक गार्ड है, वो भी बहुत ज्यादा तगड़ा बाउंसर है। अभी मैं इसे दो दो हाथ तो नहीं कर सकता, आई थिंक मुझे इसे सिगरेट देनी चाहिए या फिर फोन बजेगा, पता नहीं क्यों, पर मेरे को एकदम बुरा आदमी लग रहा है, तो इस सिगरेट से सहल जाए शायद, इसे सिगरेट दे दे, दोस्ती कर लेगा तेरे से मेरे को लग रहा है। नहीं गया, गया भाई, अब जो इसकी ठुकाई होगी ना, ओए मारा ही नहीं, मेरे को नहीं लगता ये लड़ेगा, फोन से हो जाएगा ना। हाँ हो गया, नाइस, निकलो, इजी, थैंक गॉड मैन। तो यहाँ पे क्या है ये, या तो लाइट ऑफ करूँ, रिमोट आई थिंक बॉल है यहाँ पे, आई थिंक लाइट ऑफ करनी चाहिए। हाँ आराम से, पुलिस वाला था वहां पे, बिल्कुल आराम से गया, खत्म, इसका कुछ नहीं हो सकता भाई। ओके तो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है यहाँ पे, इसको अगर मैं रिमोट दूंगा तो ये मान जाएगा। रिमोट से टीवी ऑन किया मैंने, हो गया, और आराम से भाई, ठीक है भाई, ये तो ठरकी पुलिस वाला है। लेट्स गो मैन, सिस्टम पार देंगे इस बार, देखना तुम लोग। ओके तो मेरे पास इस बार यहाँ पे तीन डायरेक्शन है, या तो मेरे को मेडिकल रूम में जाना चाहिए, या केमिकल रूम में, या एक चर्च वाला साइन है, तो आई थिंक मुझे चर्च वाले साइन की तरफ जाना चाहिए। हाँ ओके, बट मेरे को यहाँ आने का फायदा क्या है। लो भाई देख लिया, गया भाई, लो इजी, इससे ज्यादा भयानक मैंने कभी नहीं देखा जिंदगी में। बट आई थिंक मुझे यहाँ पे केमिकल रूम में जाना चाहिए, यहाँ पे कोई भी नहीं है। नाइस, इजीली एस्केप हो जाएगा ना। कैन आई एस्केप भाई, नहीं यार भाई, केमिकल कैसे भाई, उसने तो छुआ भी नहीं उन केमिकल्स को। तो यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है, जो कि है मेडिकल रूम। मेरे को नहीं पता उसके अंदर क्या है, यहाँ क्यों नहीं है बम, यहाँ क्यों नहीं फूट रहा कुछ, मेरे को पता है यहाँ से निकल जाएगा ये। देखो सामने गेट, भाई लिटरली मैंने पहली बार में सोचा था कि मेडिकल रूम ले लेता हूँ, पर मैंने लिया नहीं। इजी भाई, तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे एक सामने वो बैठी है नर्स, मेरे को यहाँ से निकलना है, तो आई थिंक मेरे को यहाँ पे ड्रेस लेनी पड़ेगी एक डॉक्टर की। हाँ आराम से, इजी, निकल जा। भाई तू मुड़ा क्यों, निकल जा। ओके सो यहाँ पे मैं के भूत का मुकुट वगैरह लेके जा रहा हूँ। ओके वो नहीं डर रही, वो क्या हो रहा है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई ले, ठीक है भाई, ओके। अबे इतने घटिया तरीके से कौन डराता है। ओके सर मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या अजीब सी चीज है, कोलगेट है क्या इसके हाथ में। ओके ये यहाँ पे जा रहा है, एंड ये क्या किया, इसको सुला दिया। ये भगवान, कम से कम लिख तो देते भाई, क्या चीज है वो। ठीक है भाई, ऐसे पोपट बनाओ तुम, हमारा पोपट लाल समझते हो ना। ओके तो मेरे को फाइनली यहाँ पे एक टनल से जाना है, एंड यहाँ पे एक चूहा है। अरे चूहे को तो ऐसे साइड कर दे यार। अरे चूहा है तो उसको पनीर दे रहे, चीज दे, लेट्स गो। हाँ चला गया ना, इजी भाई, अभी निकलेगा ड्रीम बॉय इजीली, लेट्स गो। ओके तो यहाँ पे एक पुलिस वाला है जो कि बुक पढ़ रहा है। एक तो मेरे को ये बताओ भाई, जेल के अंदर इतनी सारी चीजें होती भी हैं, पुलिस वालों के लिए फुल एकदम सोफा वोफा लगा रखा है, वो एकदम लेट के पढ़ रहा है, टीवी चल रहा है भाई, होता होगा टीवी पर एकदम वैसे था यार, पूल वूल लगा हुआ है, टीवी है, क्या बोलूं। इधर आई थिंक मेरे को गाना बजाना चाहिए या फिर इल्यूजन क्रिएट करना चाहिए, आई थिंक ये इल्यूजन क्रिएट कर रहा है डिस्क, मेरे को नहीं पता क्या ये। ओके कुछ तो हो रहा है भाई, वो खुद भी हो गया इल्यूजन। नाइस, मेरे को आई थिंक इधर एक गाना बजाना चाहिए बढ़िया सा, पर गाने से वो मेरे को लग रहा है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो जो बुक पढ़ रहा है एकदम उसकी आंख खुलेगी और वो देखेगा, अरे तू है इधर आ। आई थिंक गिटार या गाना बजा देते हैं, चलो। ओके सुला दे उसे, वो सो जाए का सो। अरे तो इस बार ये नहीं सोया यार भाई, इल्यूजन में तो दोनों आ गए थे। अरे क्या गाना बज रहा है, खुचमच। तो आई थिंक मेरे को यहाँ पे पंखा चला देना चाहिए, पंखे से सब कुछ उड़ जाएगा। नहीं कॉकरोच, आई थिंक कॉकरोच काम करेगा। यस भाग जाओ, हट। ओके सो मुझे नहीं पता, मेरे को ऐसा लग रहा है इधर मेरे को फैन चला देना चाहिए, एंड मैं यहाँ पे फैन चला देता हूँ, पेपर उड़ जाएंगे। हाँ निकल, भाग, इजी हो गया, नाइस, दिस इज नाइस, पर सेंस नहीं बनाया, बट ठीक है हो गया। एस्केप करना है, एंड ये क्या है रे, मेरे को नहीं पता है, मटका चूज कर रहा हूं मैं तो, मटका। हाँ, भाग। ओ भाई कितना सही था ये, कितना ज्यादा सही था, पहली बारी में हो गया, ओ माय गॉड। ओके तो यहाँ पे एक जेलर है, मैं अंदर बंद हो चुका हूँ, एंड इस टाइम मेरे को चाबी की जरूरत होगी, इजीली चाबी से तो खुलेगा, और उसने मेरे को खोल दिया। अरे नहीं, वो जेलर नहीं है, वो मैं ही हूँ यार, इसको खोल दिया मैंने, नाइस,
अपने दोस्त को बचा लिया मैंने, दिस इज इजी मैन। ओके यहाँ पे एक लड़की पुलिस गर्ल है, पुलिस मैन नहीं, पुलिस गर्ल। ओके मैं कैसी बात करता हूँ, मैं एक लड़की पुलिस गर्ल है, वाओ। ओके तो इसको नाइफ तो नहीं दिखाने वाला, एक कॉकरोच से पक्का डर जाएगी मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने देखा है लड़कियां कॉकरोच से डर जाती है। एंड ये डरेगी क्या, डर गई। अरे भाई कितने से कितने बड़ा ही कोई हो, पुलिस गर्ल हो, कुछ भी हो, कॉकरोच से डर जाते हैं लोग। ड्रीम बॉय की थ्योरी नहीं है वैसे। ओके तो वहां पे एक बजर है एंड मेरे को रेड, मैं रेड चूज कर रहा हूँ पता नहीं क्यों, बस मैंने कर दिया। हाँ रेड कार्ड भाई ले। अबे ओके सो इस बार मैं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ ग्रीन कार्ड, आई थिंक ग्रीन से काम बन जाए। यस यस भाई भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। एक तो मेरे को लेवल्स फिर से खेल के आने पड़ते हैं गलत होने के बाद, सोच रहे तुम लोग। ओके तो अभी मैं चूज करने वाला हूँ येलो कार्ड प्लीज, येलो कार्ड से मैं भी तो देखूं ऐसा होता क्या है बे, जो बाकी कार्ड से नहीं हुआ मतलब। यार यार भाई लिख दिया करो भाई, आंसर लिख दिया करो प्लीज, आंसर नहीं है हिंट दे दिया करो यार। ओके गाइस तो मुझे सिर्फ तीन लेवल क्लियर करने हैं, मैं चार क्यों, तीन देखो, तीन तीन लेवल क्लियर करने हैं फिर हम जेल से इजीली एस्केप कर देंगे। पर उस दोस्त का क्या, जिसको मैं बचा के आया था उसे छोड़ते हैं अभी, मैं ऊपर से जाने वाला हूं, लेट्स गो ऊपर से जाते हैं प्लीज काम करें। यस भाई नहीं यार यार। ओके तो यहाँ पे मैं एक आग लगाने वाला, पता नहीं इसको कहते क्या, मैं भूल गया, एक टाइप से लाइटर समझ लो इसे तुम, पर लाइटर इतना खतरनाक तो नहीं होता है। कैसा ताला है ये, जला भी नहीं भाई। अब यू मत कहना कि ये लात मार के इसको तोड़ देगा, प्लीज ये मत कहो यार, इतनी पावर इसमें कैसे है। अभी जिंदगी में कभी कुछ आया ना जिन ऑप्शन के बीच में कुछ लड़ाई लड़ाई का है इससे, तो मैं वही चूज करने वाला हूँ, ये सबसे लड़ लेता है। ओके तो तुम लोग एक चीज सोचो, अगर मैं उन्हें डंडे से भगाऊंगा तो डंडे पे चढ़ के आ सकती है, तो मैं ये फेस यूज कर रहा हूँ, पता नहीं ये फेस क्या है। ओ माय गॉड वो सच में चली गई, मेरे को लगा ये एक फेस मास्क होगा, पर ये तो तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा। तो यहाँ पे एक ही रास्ता है, अगर मैं लैडर यूज करूंगा मेरे को पक्का ऐसा लग रहा है कि सामने वेब आ जाएगा कुछ ना कुछ, ये खोद के भी जा सकता है तोड़ के भी जा सकता है, तो मैं खोदने का चूज करूंगा क्योंकि अभी तक खोदने का कभी नहीं हुआ है। सो खोद के जा सकता है क्या ये, मेरे को नहीं पता। ओके क्योंकि मोस्ट ऑफ द जेल स्केप में खोदने का बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है यार, और इजीली खोद भी लिया इसने। ओके गाइस तो मेरे को आई थिंक यहाँ पे टॉर्च की जरूरत पड़ेगी, मे बी टॉर्च से हो जाए भाई। अरे करंट कैसे लग सकता है लाला, तेरे को करंट कैसे लगा रे, मेरे को समझा। यहाँ पे मैं चूज करने वाला हूँ कैंडल, कैंडल से हो जाए काश, ये मत कहना कैंडल बुझ जाएगी, मत कहना। अच्छा ऊपर स्मोक चला गया पता लग भाई। ओके 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 तो यहाँ पे पता नहीं क्या ये जुगनुओं को लेके जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल लाइट तो ऊपर आएगी नहीं, नीचे पता नहीं लगेगा नीचे से कोई जा रहा है लाइट लेके, अनफेयर है गाइस ये, इसमें लॉजिक नहीं है। ओके लेट्स गो, आई थिंक मुझे गन लेके जाना चाहिए पता नहीं क्यों, पर हाँ ठीक है। मारेगा क्या ये मेरे को नहीं पता, निशाने ठीक है, अबे निशाने ही ठीक नहीं है ले, मर मर अब मर मर। ओके सो इस बार मैं चूज करने वाला हूँ ग्रास को, मे बी ग्रास से हो जाए कुछ, ग्रास तो नहीं है झाड़ियां कुछ है, प्लीज निकल जाइयो दोस्त, मर जा जाके कहीं तेरे पास। हाँ भाई देखो ये तो एकदम ही अजीब सा मुंह बना के जाएगा ना, अब देखो तुम लोग देखो ये, अरे ये कुत्ता कहाँ से लग रहा है, कहाँ से तुम्हें कुत्ता लग रहा है दिखने में भाई, भाई ये क्या है, ऐसे कैसे ये तुम लोग को कहीं से भी डॉग लग रहा था, मेरे को एक बात बताओ ये डॉग लग रहा था क्या, एक तुम लोग देखो एक बार, क्या मैं तुम लोगों को कहीं से भी डॉग लगूंगा मेरे को बताना। कहाँ से भाई, ठीक है इस बार हम लोग को पता नहीं क्या चूज करना, पता नहीं क्या अजीब चीजें दे रहे हैं यार ये देखो कैंची से, अच्छा कौन सी वायर काटूं, आई थिंक मेरे को इस टाइम लाल वायर में काटने वाला हूँ, कट जा कट जा कट जा मर जा। ओके तो अभी मैं चूज करने वाला हूँ यहाँ पे ब्लैक वाली को, मेरे को नहीं पता मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि ब्लैक वाली हो सकती है, प्लीज प्लीज हो जा, हो गया नाइस। ओ माय गॉड भाई मैं बहुत थक गया हूँ यार। ओके तो इसके बाद मेरा लेवल्स पूरे क्लियर हो जाएंगे एंड ये जेल से स्केप कर देगा। तो यहाँ पे मेरे को डंडे से तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, आई थिंक एक बूमरैंग से जरूर हो जाएगा, प्लीज यही हो प्लीज। यस यस भाई कच्चा खिलाड़ी। ओके तो इस बार मैं चूज करने वाला हूँ डंडे को, पता नहीं क्यों मेरे को बट डंडे की फील आ रही है। यस भाई जब तेरे में हिम्मत नहीं है तो क्यों कर रहा है, मेरे को ये बात समझा दे। अरे तेरे में मोटिवेशन ही नहीं है करने की यार, उसने देख लिया तो डर गया भाई, मैं लिटरली फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ अभी, मैं पीछे के सारे लेवल खेलता हुआ आ रहा हूँ यार। तो यहाँ पे अभी मुझे चूज करना है स्टोन को, पता नहीं पत्थर से क्या करेगा, मार 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 हाँ मार हाँ। ओके अब भाग जा जेल से जल्दी भाग, नाइस नाइस फ्रीडम लेट्स गो, मैं हो गया भाई साहब, ये इतना भोंदू इंसान है ना, ये इतना भोंदू इंसान है भाई मैं क्या बताऊं भाई, इस गेम ने मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया लिटरली भाई, दिल के अंदर से बोल रहा हूँ। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो गाइस, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई हैव अ नाइस डे, बाय बाय।